हेलो एवरीवन, स्वागत है आप लोगों का फिर से हमारे चैनल में। सो दोस्तों, आज का जो वीडियो है उसमें मैं आपको एक नया फीचर जो है इंस्टॉल करके बताऊंगा अपने डिवाइस में। और ये जो फीचर है, आप किसी भी एंड्रॉयड या किसी भी सैमसंग डिवाइस में इस फीचर को इंस्टॉल कर सकते हैं। तो बहुत ही अमेजिंग फीचर है और आपके बहुत ज़्यादा काम आने वाला है। और दोस्तों, ये बिल्कुल लेटेस्ट फीचर है और आप किसी भी फ़ोन पे इसे इंस्टॉल कर सकते हैं। तो कैसे करना है, कैसे नहीं, उसके लिए आपको मेरा पूरा वीडियो यहाँ पे देखना होगा। और दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल में पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर इस तरह की वीडियोज़ जो हैं अपलोड होती रहती हैं। सो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राकेश कुमार और आप देख रहे हैं RK न्यूज़ टैग चैनल। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो दोस्तों, ये जो फीचर है आपने इंस्टॉल कैसे करना है अपने फ़ोन पे और लेके कैसे आना है, उसका काम क्या है। सबसे पहले तो आपको एक छोटी सी एप्लीकेशन है उसको डाउनलोड करना होगा, जिसका लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे दे दूंगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। लेकिन डाउनलोड करने से पहले वो वर्क कैसे करती है और उसकी सेटिंग कैसे आपने करनी है, तो सबसे पहले आपने वो एप्लीकेशन यहाँ पर इंस्टॉल करनी है। तो ये एप्लीकेशन इस तरह की रहेगी, जब आप इसे ऑन करेंगे तो आपको इस तरह का फीचर मिलेगा, मतलब देखने में। तो यहाँ पर आपने क्या करना है, यहाँ पर कुछ एप्लीकेशन तो यहाँ पे सिलेक्ट रहेंगी, लेकिन यहाँ पे कुछ एप्लीकेशन आपने यहाँ से सिलेक्ट करनी है, कोई सी भी जो आपकी फेवरेट है। तो फॉर एग्जांपल, मैं जितनी भी एप्लीकेशन है यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ जो मेरी फेवरेट हैं, तो मैं आपको दिखाने के लिए कर रहा हूँ। तो आप भी ऐसे अपनी अपनी फेवरेट एप्लीकेशन यहाँ पर चूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल, मैंने यहाँ पर चूज़ कर ली है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं जितनी भी एप्लीकेशन है मैं सभी यहाँ पर चूज़ कर लूँगा जो मुझे जल्दी जल्दी चाहिए और मैं फटाफट उसे ओपन कर पाऊँगा। तो मुझे ये फ़ीचर क्यों बढ़िया लगा वो भी मैं आपको यहाँ पे बताऊँगा। तो मैंने यहाँ पे जो है सभी एप्लीकेशन, मैक्सिमम एप्लीकेशन मैंने यहाँ पे चूज़ कर ली हैं, तो यहाँ थोड़े से बच गए हैं, आप कर सकते हैं। तो उसके बाद क्या करना है, आपने इसको यहाँ से ऑन कर देना, ठीक है। ऑन कर दिया, ऑन करने के बाद आपने एक और ऑप्शन है इनेबल म्यूज़िक प्लेयर, आपने म्यूज़िक प्लेयर को भी यहाँ से इनेबल कर देना है, ठीक है। वो भी आपके फ्लोटिंग यहाँ पर ऑन कर देना, की फ्लोटिंग बार शो यहाँ पर मैंने कर देना, ठीक है। उसके बाद इनेबल डिजेबल टूल्स आ गए, तो ये भी यहाँ पे आप ऐड कर सकते हैं, जो भी टूल्स हैं आपके, जो आप शॉर्टकट में चाहते हैं, तो जो भी जितने भी टूल्स हैं, जैसे कि एडजस्टमेंट हो गई आपकी, लैप हो गया, टर्न ऑफ, वाईफाई ऑन, नेटवर्क ऑन, फ्लैशलाइट ऑन, जितने भी आपके यहाँ पे फीचर्स हैं यहाँ पे आपने सेलेक्ट कर लेने हैं। जैसे मैंने कर लिए, तो मैंने यहाँ से इसे कर लिया है, ठीक है। उसके बाद वेदर आता है, तो वेदर वाला ऑप्शन भी आप ऑन कर सकते हैं अगर आप चाहते हैं तो। तो यहाँ पे आप कॉन्टैक्ट वाले ऑप्शन भी ऑन कर सकते हैं, यहाँ पे बहुत सारे आपको ऑप्शन यहाँ पे देखने को मिलते हैं। फिर आप सेटिंग वाले ऑप्शन पे यहाँ पे जाएंगे, तो यहाँ पे कस्टम थीम, शो कस्टम थीम पे जाएंगे, तो यहाँ पे आपने शो कस्टम थीम कर देना है, ठीक है, यहाँ से। उसके बाद वाइब्रेशन ऑन एक्सटेंड, इसको यहाँ से आपने ऑन कर देना है, वाइब्रेशन को कम ज़्यादा कर सकते हैं अपने हिसाब से, ठीक है। फिर कस्टम थीम, यहाँ पर आप कस्टम थीम चूज़ कर सकते हैं, मैंने ये वाली कर ली है। तो ये था हमारा सेटिंग्स, अब उसके बाद ये काम कैसे करती है, आपने बैक आ जाना है, ठीक है। बैक आने के लिए एग्ज़िट करना है, यहाँ पर बैक आ गए, ठीक है। आप देख सकते हो यहाँ पे जैसे ही मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा, क्लिक करते ही मुझे यहाँ पे देख सकते हो बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिलते हैं। तो मैं यहाँ पे अपने नेटवर्क भी यहाँ से ऑन कर सकता हूँ, अपनी जो फ़ोन की सेटिंग्स हैं, वाईफाई, इंटरनेट, जो भी है यहाँ से ऑन कर सकता हूँ। उसके बाद आप यहाँ को स्वाइप करेंगे तो आपकी एप्लीकेशन आ जाएंगी, नीचे ऊपर करेंगे तो जितनी भी एप्लीकेशन शॉर्टकट में आपने रखी हुई है। जब आप इस ऐसे आगे को करेंगे तो आपका यह म्यूज़िक प्लेयर आ जाएगा, तो आप यहाँ से डायरेक्ट म्यूज़िक प्लेयर भी प्ले कर सकते हैं। तो यहाँ पे एप्लीकेशन आ गई हमारी, तो ये आपके जो नेटवर्क्स वगैरह हैं, वाईफाई, हॉटस्पॉट, सारा मतलब टोटली सेटिंग आपको यहाँ पर देखने को मिलती है। और ये फीचर बिल्कुल ही नया है और आप अपने फ़ोन पे इसे सेट कर सकते हैं। बहुत सारी सेटिंग्स हैं, आप जैसे मैंने किया वैसे अपने करना है, और भी बहुत सारी सेटिंग है जो कि आप करके आपको पता चल जाएगा। सो दोस्तों, मैं आशा करता हूँ आपको ये बहुत अच्छा लगा होगा वीडियो, अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। सो बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।